वो शीश रखा था यहाँ कृष्ण भगवान ने, खुद आया कृष्ण भगवान, बहुत शक्तिमान बंदा था वो खेलता था उधर को जिधर को हार रहे पार्टी, कौरव पांडव का युद्ध चला था, यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखाई देता इधर को, ये इधर को सामने आ गया धुंध पड़ी। फिर क्या हुआ कि भाई कृष्ण भगवान को मिल गए वो कहीं रास्ता में, वो कहाँ जा रहा है, बोलो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, बोलो कौरव पांडव का युद्ध सुना है और मैं वहाँ जा रहा हूँ और खेलता हूँ मैं इधर को, वहाँ खेलूंगा मैं जो हार रहे पार्टी, जैसे कौरव हार रहे थे वो कौरव की तरफ खेलना था पांडवान, एक ही बाण से पांचों को उड़ा सकता था खत्म। हाँ देवी के दिए बाण थे उसके पास, तीन बाण उसको भगवान भी कुछ निकल सकता उन बाणों का, ऐसे बाण थे उसके पास, ऊपर नहीं बैठता बेटा। फिर जाए के कृष्ण भगवान ने बोला चल यार बूटा पंडित बन गया ना, रास्ते मिल गया उसको जा रहा क्षेत्र में कोकर में, तो अच्छा बोलो मैं खेलता हूँ इधर को जिधर को हार रही है पार्टी, बोलो मैं तो हारता नहीं हूँ मेरा बाण तो ऐसे होते है, बोलो ठीक है जरा इस पेड़ में लगा दे बाण तो, वो पत्ते वाला पेड़ जो है आपको मिले नीचे, एक पत्ता रख लिया कृष्ण भगवान ने अपने पाँव के नीचे, उसने एक बाण से सारे पत्ते छेद हो गए, एक ही बाण से बाण आ गया कृष्ण भगवान के पाँव के पास, बोलो पैर हटा दो, बोलो वहाँ एक पत्ता है। कृष्ण भगवान ने सोचा मैंने कुंती को वायदा किया है कि पांचों पुत्र पांडु तेरे जीते बचा दूंगा मैं, और अब काय से बचाने में तो एक ही बाण से मार देने इसने तो पांचों को, छूट उसके मुकाबले में कोई नहीं था, ऐसा शक्तिमान था वो, देवी के बाण थे उसको दिया वरदान कोई है, बोलो तू और विराट रूप दिखा दिया कृष्ण भगवान, वो भी पहचान गया बरबरी की पहचान गया, तो भगवान ने बोलो धर्म दे दे, बोलो ले, बोलो तेरा सिर चाहिए मेरे को दान के लिए, तू अपना सिर दान कर दे मेरे को, बोले 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 भी क्या भगवान के लिए, वो तो कुछ नाम नहीं कर सका, और ऐसे भी जो उस टाइम झूठ नहीं बोलते थे सच्चे पाके भक्त, बोलो सिर तो मैं दे दूंगा कृष्ण भगवान जी आपको अभी देता हूँ कट के, पर मैंने महाभारत देखना था जिसलिए मैं जा रहा था, बोलो चल तेरे को मैं कटे सिर से महाभारत दिखाऊंगा, वो यहाँ से दिखाया था ना ये पत्र, ये पांडव ने खुद रखे पत्र, यहाँ कुरुक्षेत्र दिखाई देता इधर को, अब जो युद्ध खत्म हो गया, पांडव कृष्ण भगवान ने बोला ना पांडव, बोले ऐसा करते हैं बोले एक जगह में मैंने सिर रखा हुआ है कटा हुआ, उसने देखा बोलो महाभारत पूरा, उसको दिखाया मैंने कटे हुए सिर से महाभारत, उसको पूछते हैं जरा कौन कौन तुम जो ना युद्ध थे खेलने वाले आए, यहाँ पूछा सिर पांचों पांडव तो क्या क्या देखा, बोलो काली का खप्पर देखा मैंने और आपका सुदर्शन चक्र देखा मैंने, आप लड़ रहे थे जहाँ भी लड़ रहे थे, वो हकीकत बात है, कृष्ण भगवान ही तो लीला तुम की थी वहाँ है, तो फिर जाए कि उसको कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया सिर को, कि कल युग में तो अवतार रहेगा उसका बन गया दो भाई श्रीकुल सिर से छद्मेश्वर उसका भाई, उनका जन्म राजगढ़ का है, वो 500 साल सारी हुई होगी कृष्ण भगवान उसको जन्म लेके श्रीकुल को, फिर जो है दो भाई बन गए जैसे तू मैं, फिर वो यहाँ आ गए, यहाँ चूड़िया दानव राक्ष रहता था, यहाँ कुछ नहीं होता चूड़िया दानव जिसके नाम से चूड़धार पड़ी पहले वो राक्ष रहता था यहाँ, तो मेरे को लग रहा है ना जो यहाँ से पताल की जगह है ना यहाँ से यहाँ पताल दिखता था पड़ जाता था, मेरे को लग रहा है कि वो राक्ष यहाँ से आया होगा, पताल से आ गया ना राक्ष ऊपर यहाँ से छेद है पताल का, यहाँ से थोड़ा सा पड़ छेद है पत्थर डाल पताल सिक्का डाल दिया, तो राक्ष आया होगा पताल से और ये आ गया और यहाँ सोचा उसने मैं यही रहता हूँ यही रह गया तो आदमी को भी खा देता था नाश कर देता था ना जी, तो कहते थे पहले बोलो बूढ़ा के साथ मिलाना बेचारे को छोटा छोटी बस्ती होगी ना उस टाइम, तो आप तो बस्ती जंगलों में कम कम बस्ती होती थी, तो जो आते थे ना तो भाई जैसे जो आते थे ना बेचारे को सुरक्षित ये जब श्रीकुल महाराज ने फिर जब कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तू अवतार लेगा कलयुग अवतार ले लिया राजगढ़ में अवतार ले लिया, तो फिर जब कृष्ण भगवान ऐसे हो गए वो श्रीकुल महाराज छंदेश्वर बड़े बड़े हो गए जैसे तुम हमें जवानी में आ गए इधर आ गए वो इधर आ गए, तो उसका राक्ष का पता लगा लिया क्या ये तो राक्ष रहता है, तो
उसके साथ फिर युद्ध हुआ है राक्षस के साथ। किसका हुआ? श्रीकुंभ का। लोहे के ओले भी डाल ले, बिजली भी डाल ली और पत्थर की वर्षा भी कर दी। ये पत्थर तो वैसे से पत्थर की पत्थर देखो ना धार कैसी दिख रही है आपको, ये उसने कर दिया तार का। श्रीकुंभ उसको भगा दिया, मार तो नहीं सका, यहाँ से भाग गया वो, उसको भगा दिया। महाराज ऐसा समझो कोई शिव जी का रूप समझो चाहे इसका कोई वीर बोलो, ये तीन पत्थर है और एक वो है जो पताल की जगह इसके नीचे क्या बंदा बैठा है ना, यही वहां से खोदो ना, मतलब उसको साफ कर दो वो तो दिख जाएगा। पहले सिक्का डालते थे ना इसमें आवाज आती थी बड़ी देर तक, आधे घंटे तक आवाज आती थी। पहले पत्थर जैसा कह रहे थे ना, वहाँ पत्थर जैसा होगा ना कोई बड़ा, जैसे उसको हटाओ ना तो पूरा ही दिखना हो, फिर इतनी दुनिया दिख जानी, फिर आदमी और मर जाता था वो बंद किया। फिर रखा था वो थोड़ा सा इतना इतना छेद रखा था, सिक्का डालते थे तो 10 मिनट हुआ आवाज आती। मैंने डाला है, हमें भी बचपन छोटा सा होता था जब आता था या वही होता था या वो उसी के लिए आते थे, कुछ नहीं होता। ये तो शिव जी तो बाद में, हाँ ये तो मूर्ति मूर्ति बाद में बनी, फिर ये सब कुछ प्राचीन का है। हनुमान मंदिर नीचे है उनकी, वहाँ की वो एक ही चीज है, जैसे मैन मंदिर नीचे ही है, ये तो चोटी है ना, हाँ वो तो मैन मंदिर तो नीचे इसका शिवलिंग का, तो वह कुदरत की वो अंदर जो है शिवलिंग है। फिर पानी जो है यहाँ कहाँ से होना था पानी, पानी जो है ना वहाँ से लाए मानसरोवर से, तुम्बड़ी बोलते तुम्बड़ी, तुम्बड़ी उसमें पानी लाए वहाँ गिरा दिया शिवलिंग, वहाँ यूँ गिराते थे ना वहाँ यूँ पानी हो जाता।